नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं निष्ठा ECC कोर्स 1 हिंदी प्रारंभिक वर्षों का महत्व B4 का प्रश्नोत्तरी बताऊंगी। इसमें 70% जब आप उत्तर को सही देंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि बहुत ध्यान से इसको देखें। आइए चलते हैं मूल्यांकन पे। देखिए, ये प्रश्नोत्तरी 15 सितंबर 2024 तक कंप्लीट कर लेनी है, तो इसे आप जल्द से जल्द पूरा कर लें क्योंकि थोड़ा लंबा है ये। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ियों को इस नाम से भी जाना जाता है, एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्र। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समग्र विकास के लिए नहीं है? मनोरंजन। ECC स्टेज पर खेल किस में एक महत्वपूर्ण शिक्षण के रूप में सहायता करती है? तो समग्र विकास में सहायता करती है। प्रारंभिक अनुभव को आकार देने के लिए आवश्यक है युवा मस्तिष्क को। आंगनबाड़ी में प्रारंभिक विद्यालय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का फोकस है बच्चे का समग्र विकास। 2 से 3 वर्ष की आयु अवधि जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपनी देखभाल करने की ओर बढ़ता है क्या कहलाती है? तो उसको टॉडलरहुड कहते हैं। बच्चे की वृद्धि और समग्र और विकास में सहायता करने वाला कारक है सकारात्मक और भावात्मक रूप से सहायक परिवेश। NEP 2020 के अनुसार बुनियादी स्तर के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग प्री प्राइमरी स्कूल के लिए विचारणीय है? तो इसमें 3 से 6 वर्ष तक। ICTS का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ECC का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि खेल अनिवार्य है बच्चे की वृद्धि और समग्र विकास के लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सबसे महत्वपूर्ण नैतिक व्यवहार में शामिल है आंगनबाड़ी के सुरक्षित स्वस्थ पालन करने वाले परिवेश में बच्चों को देखभाल और सीखने के अवसर प्रदान करना। NEP 2020 के अनुसार बुनियादी अवस्था के तहत आने वाला आयु वर्ग कौन सा है? तो यहाँ देखिए 3 से 8 तक का। निम्नलिखित में कौन सा विकास के क्षेत्र में नहीं है? रटकर याद करना। शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक गुणों, व्यवहार और जीवन की मांगों के प्रति अनुकूलन के तरीकों की व्यवस्थित उपस्थिति का सही प्रतिनिधित्व कहलाता है विकास। उस अवधि का जब बच्चे का मस्तिष्क शीघ्र ग्रहण करने के लिए सीखने के लिए तैयार होता है सही नाम है परिपक्वता। घर के अतिरिक्त बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म निकाय का नाम है आंगनबाड़ी। तंत्रिका विज्ञान परिपेक्ष्य ECC की वकालत किस विचार के आधार पर करता है? यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक वर्ष मानसिक शारीरिक दोनों विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक शामिल होते हैं जो छोटे बच्चों को लगभग 6 वर्ष की आयु तक दी जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को कौन सी अवस्था माना गया है? तो बुनियादी अवस्था। देखिए,